अच्छी बात है।
पिताजी का नाम बच्चरा, दादी जी का नाम रानी जिला, बच्चा जी का नाम तन करण लाल। लेकिन ये बताइए आपका कहाँ मकान पता है? हमारा घर आज महब्बा है, पिताजी का नाम बच्चरा, बड़े भाई का नाम अलहसदार है, हमारा नाम अदल है, पिताजी का चरण है, पिताजी का प्रणाम। चलो ये तो घर घर है। आप लोगों ने बताया कि मैं रखने वाला कैसे हुआ? येलो येलो बेटा रुपये बताना कि आप लोगों को मतदान करने आना कैसे हुआ? इसका मतलब बेटा रुपये तुम राज्य मोहब्बत को भूल गया, अपनी बूढ़ी माता तिबला को भूल गया, हम लोग को भूल गया, छोटा बेटा किंगल को भूल गया और नकिन के साथ में एक से मौत लूट रहे हैं। मैं किसी को नहीं भला हूं, घर से गांव खेलने के लिए आया, सब जानते क्या नाम बना दी, मुझे घरा बना रखी, दिन ब दिन घरा बना दी, धीरे आप निकलो प्रेम करने के लिए नाटे मस्जिद घर के प्रेम नहीं किया, बेटा ठीक ही कहा था, सही बात निकला। ये लड़का को बताया है, लड़का कौन है? ये लड़का तुम्हारा पुत्र है? नहीं। हाँ सही बात है, रानी भला से घर संतान नहीं है, रानी भला से नहीं, तुम शिकार खेलने के लिए आया है, सात आठ वर्ष बीत रहा है, जंगल में किसी अबला से प्रेम प्यार क्या है, उसी से इस लड़का का जन्म है। नहीं, मैं किसी अबला नारी के साथ प्रेम भाव विरासत नहीं किया हूं। अरे याद करो, बहुत ही भी चुका है, तुम भूल चुका है, दिमाग में आकाश सोचो कि महाराज चला तो कहां गया, किससे मिला, कैसे कैसे क्या था, याद कर जाएगा। कौन सा जिससे किया, कौन सा घर में व्यवस्था किया, कौन चापाकल पर कुल्ली किया, तारा किसी का साथ में क्या होगा, ये अब बालक को क्या होगा, बुगल के कहना किसी अपना नाम मेरी जान पहचान है ही नहीं है, हाथ जैसे सवाल से पूछा जाए किसकी बात आती है तो कहा, हम इसके वहां के बहुत समझ चलते हैं, भाई निकल होगा, सच्चाई बात होगा तो सब पता चल जाएगा।
करते हो? बोलो ए बोला ये बताओ तेरी माँ कहाँ रहती है? घना घोर जंगल में। तो तुम अपनी माँ के पास हम लोग को ले चल सकता है? ठीक है चल सकता हूँ। ठीक है चलता हूँ, लेकिन इतना दिनों तक बेटा रोल को नहीं घास पत खिलाया कड़ा के मार मारा उसका मैं बदनामी पत्र शोध लेकर चलूंगा। ठीक है क्या मतलब बताऊंगा अगर घास नहीं जवान रखी है। अब ये महीना तीन हजार काम लेगी और तुमने कर मोज कितना करेंगे? अरे बोलने में तनिक सारी फर्क नहीं आती है। अरे सही ने देखूंगा मैं छाने के लिए कहता मेरे निकल सक जाता है। ये मैंने इधर बाल में जब आगे कितना है कि अरे नटी सुनो तुम लोग को काल मंगवा रहा है। सुनो मैं कहता हूँ जिसे तुम लोग इतना दिन तक भाव बना के रखा है जो राज महाबाद का राज है इसी को हम लोग खोज गया है। ये बुढ़े लोग मेरा संग्रह कुछ नटी तुम किस प्रवास में हो? सुनो यदि इससे मैं छोड़ देता हूँ तो जंगल में बेकार में जैसा कोई भी राजा राजकुमार शिकार खेलने के लिए आएगा इसी प्रकार दुर्दशा करेगा। इसीलिए जिंदा नहीं छोड़ना है, न रहेगी बस न बाजेगी बसरी, ये दोनों को मैं सिर का जंगल में छोड़ देता हूँ। मेरा पवार क्यों रोक लिया? क्या सोच के मेरा रोके हो? पचास गए छत्री भाग गई है ये स्त्री पर वार करे अरे छत्री स्त्री पर वार करते तो छत्री भ्रम नष्ट हो जाता है। पचास रहे तो ठीक है भ्रम बचा कर आसान क्या है, लेकिन दंड से मिलना चाहिए नहीं तो फिर कोई जंगल में राजा आज पर आएगा इसी प्रकार का हरकत करेगा। ये नहीं क्या बात के लिए हमारे भाव से दुनिया के हमारे बेटा पागल है कहीं पूरी भाई न तीन दिनों है जो मारना है ना हमने जो एवे से हमने दिया है करने वाले एवे से ना दिया तो दोनों को दिया हमने नहीं रे बहुत बुरी दुआ है ये दोनों को मारो। नहीं 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 कभी धोखा दे सकता है मुझे तो अधिकार ही छीन लिया गया है कि ना ही कोई हाथ नहीं उठाना है। हमने दस का छोड़ दिया है अरे इसको मारो रहे देखने में बहुत खराब है तो मैं छोड़ा तो तुम्हें छोड़ेगा मारो अभी हम लोग तेरे साथ क्यों मारो पटको मारो मारो हाँ बदला है मारो खूब मारो इसको भी मारो दोनों बहुत सुंदर बच्चे हैं मारो तो चलो अपनी माँ के पास हम लोग खुले चलो। ठीक है दादाजी चलो या वही के मां किताब से भेजा से
गोल लगी जरूर छुटकार के लिए प्रणाम के स्वीकार के लिए प्रणाम तो प्रणाम है नहीं बेटा ये कौन और बता गया और पूछिए नुकसान क्यों नुकसान बेटा उधर इतना पीछा क्यों जाते हो नाटन खिला रखी इसने अच्छा इस इधर देखो इस सबला को पहचानते हो कि नहीं इधर देखो इस सबला को पहचानते हो इधर देखो ये बताओ इस समय नानी को तू पहचानते हो हाँ पहचानता हूँ इसे प्रेम प्यार जंगल में शिकार खेलने के लिए बतिया है ऊंचा देखने ऊंचा देखो से वितरण नहीं किया प्रस्ताव इससे कहा जाता है कि मध्य कदम की सांस नहीं करना चाहिए आप मुझे साथ में प्रेम प्यार करके चले गए चले गए मुझे जंगल में लाकर छोड़ दिया मैंने इस लाल गुलाब को जन्म जंगल में दी से मैंने जंगल में रहने लगी मैं कितना कष्ट उठाई आप आगे करके गए थे किराने तो मैं राजमहल को पटाने बना कर रखा लेकिन बिल्कुल भूल गए सामने काफी भी समय है भाई सरदार दास जी मेरे आने से मैं बाबा क्या था कि राज महादेव को रानी बनाना था बेटा पिताजी यही इन्हें गोद में इसलिए राज महादेव को पकड़ने वाला चाहिए लगता है सब पिताजी का मैं चाह कर लाया सुन बेटा की बहुत दीवाना रानी है नटवर देखने गया हमें जीत को लिए लड़ पा रहा हमने जीत किया बनाना चाहिए इसलिए राजू हरियाणा चलिए सुनो बेटी
जंगल में रहने वाली अल्लाह नारी को प्राचीन हफ्ता में प्रणाली बनाएगा। खुदी मोहा के नर नारी हंसी उड़ाए हैं, कोई किला कराया सुनेगा हंसेगा। जंगल में रहने वाली अल्लाह नारी को मोहे वाले प्रणाली बनाता है। ये तेरा पुत्र है, खून है, इसे ले चलो। अरे अल्लाह नारी को जंगल नहीं छोड़ दो। जंगल फिरता नारी नहीं है, डाल क्या है की पुत्री। हाँ, तो पक्के राजा है, लेकिन गोलापुर बना की राजमाता परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि यह हमारी जंगल में क्यों रहती है। इसी झपड़ी बनाकर ये तो नहीं बता सकते होता जन्म गलती हुई। प्रेम प्यार करके चले गए तो जमे गलती हुई, पारी जलाद की हानि कर दी। जिलाद मुझे जंगल में लाकर छोड़ दिया। जब से मैंने जंगल में रहने लगी लाल गुलाब को मैंने जन्म दी। इसका मतलब राजकुमारी भी बहुत संकट दुख सकर जंगल में रह रही थी। तो ठीक है, इस समय ले चलो राजमाता, और राजमाता चलकर एक बालक जन्म ले लिया है, इतना बड़ा हो चुका है। चलो मैंने यहाँ सभी महिला भाषियों को बुलाकर साथ बुला किया जाएगा। अरे दोस्तों, आज के आप हमारे सभी जी ग्रेट बिहार के सेनापति के सभी कलाकार आप लोग बीच मजेदार कहानी अलवर जमीन से उधर का तीसरा विवाह लाल गुलाब का जन्म और मकबरगढ़ की लड़ाई से संबंधित खेला खेलकर दिखाए हैं। अगर एक हमें आशा और विश्वास के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों को बहुत काफी अच्छा लगा होगा और ये नाटक देखना चाहते हैं जो आज रात में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो आप लोग इंटरनेट के माध्यम से YouTube पर केवल बखोरी राय लिखेंगे, जो प्रोप्राइटर हैं केवल बखोरी राय लिखेंगे तो अपने आप बखोरी राय विजय सेनाथ का किया जाएगा। और मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला वीडियो आने में कोई दिक्कत ना हो, पहले आप तक पहुंच जाए, देख लेंगे और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप वीडियो देखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाना मत भूलिए, घंटी हो पौधे लगा ठीक। और आज 3 बजे से 3 बजे शाम से प्रोग्राम होगा, आप लोग आ जाएंगे।